वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी सारा इलाज भी कराते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इलाज कराने के बाद भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है। और भाइयों, लंबे समय तक शरीर में विटामिन ई की कमी के बने रहने के कारण उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको शरीर में विटामिन ई की कमी को पूरा करने का सही इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन लोगों की उम्र 15-7 से ऊपर है और उनके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है, तो उन सभी लोगों को मेरी दवा का प्रयोग करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाइयों, आपको एक कैप्सूल को लेना होता है जिसका नाम है इवियोन। ये 400 mg में आता है। इस कैप्सूल को आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पानी से लगातार 2 महीने खाना होता है, तो आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। लेकिन भाइयों, 2 महीने इस कैप्सूल का प्रयोग करने के बाद अगर आपको थोड़ा कम फायदा मिलता है, तो आप इस दवा को आगे भी खा सकते हैं। इस दवा का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। जब आपको पूरा फायदा मिल जाए, तब आप इस दवा को पूरी तरह से बंद कर दें। भाई, उस दवा के साथ साथ आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है, जब भी आपको पूरा फायदा मिलेगा। अनाज को खाएं, चावल को खाएं, अंडे के पीले वाले भाग को खाएं, मूंगफली को खाएं, सोयाबीन को खाएं, सूरजमुखी के बीज को खाएं, सभी प्रकार की सूखी मेवा जैसे काजू, बादाम, अखरोट को खाएं, जौ को खाएं, सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों को खाएं, मकई के तेल का प्रयोग करें, कीवी, आम, अमरूद और आड़ू को खाएं। और भाइयों, सुबह 1 घंटे पैदल जरूर चला करें। ये काम आपको रोज़ करना है, लगातार करते रहना है। तो भाइयों, अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे, मेरी दवा का प्रयोग करेंगे, तो आपके शरीर में जो विटामिन ई की कमी हो गई है, ये समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए। भाइयों, जो मैंने आपको इस वीडियो में दवा दिखाई है, आपको इसी नाम की दवा लेना है, किसी और कंपनी की आप दवा ना लें, अन्यथा आपको आराम नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।